आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स केमिस्ट्री फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सॉल्यूशन पाओ डाउनलोड नाउ हेलो एवरीवन क्वेश्चन है द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन ऑफ कॉपर 2 इज 3d9 वेयर इज दैट ऑफ कॉपर 1 इज 3d10 व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट तो फर्स्ट स्टेटमेंट है कॉपर 1 इज मोर स्टेबल कॉपर 2 इज लेस स्टेबल िटी ऑफ कॉपर वन एंड टू डिपेंडर सोल्ट तो सबसे पहले जो कॉपर है उसकी आउटर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिग्रेशन होती है थ्री डी टेन फोर एस वन एंड इन प्लस वन स्टेट दैट मीन्स प्लस वन ऑक्सीडेशन स्टेट में कितना हो जाएगा थ्री डी टेन एंड प्लस टू स्टेट में कितना हो जाएगा ये थ्री डी नाइन हो जाएगा तो अब इस क्वेश्चन में गिवन है कि कॉपर वन एंड कोपर टू में से ज्यादा स्टेबल कौन सा है तो अगर कोपर एक इलेक्ट्रॉन लूज करता है तो उसकी आउटर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिग्रेशन हो जाती है थ्री डी टेन एंड हमें पता है कि हाफ फिल्ड एंड फुल्ली फिल्ड हाफ फिल्ड एंड फुल्ली फिल्ड सबशेल्स फुल्ली फिल्ड सबसेल्स आर हाईली स्टेबल आर हाईली स्टेबल अगर कोपर प्लस दैट मीन्स एक इलेक्ट्रॉन लूज करने के बाद वो थ्री डी टेन है यानी कि डी शेल कंप्लीटली फिल्ड है एंड फुल्ली फिल्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिग्रेशन हमें पता है क्या होती है हाईली स्टेबल होती है लेकिन कॉपर प्लस टू में ये क्या हो रहा है थ्री डी नाइन अगर दोनों को कंपेयर करेंगे तो कॉपर प्लस ज्यादा स्टेबल है एज कम्पेयर टू कॉपर प्लस कोपर प्लस टू क्योंकि फुल्ली फिल्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिग्रेशन है कोपर प्लास की तो अब हम स्टेटमेंट्स फाइंड आउट करते हैं कोपर प्लास इज मोर स्टेबल ये सही है कोपर टू इज लेस स्टेबल ये भी सही है कोपर वन एंड कोपर टू आर इक्वली स्टेबल ये गलत है स्टेबिलिटी ऑफ कोपर वन एंड कोपर टू डिपेंड्स ऑन नेचर ऑफ कॉपर सॉल्ट यह गलत है क्योंकि उसकी जो स्टेबिलिटी है डिफाइन हो रही है किसकी वजह से कि फुली फिल्ड सब शेल है डी है किसके अंदर कॉपर प्लस के अंदर दैट इज वाई वो स्टेबल है तो हमारे करेक्ट ऑप्शन हुए two, कि कोपर तो स्टेबल है, कोपर लेस स्टेबल है होप यू अंडरस्टूड थैंक यू क्लास सिक्स टू ट्वेल्थ से लेकर नीट आई आई टी जे मीन और एडवांस के लेवल तक दस मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट काउनलोड करे डाउट न्हाट्सअप कीजिए अपने डाउट आठ चार सौ चार सौ चार सौ पर